तो गाइस आज अपन चल रहे हैं भोजपुर और तैयार मैयार हो चुके हैं। अब बने रहिए, ब्लॉग में आगे लगने ही वाले हैं और मेरी बाइक भी आ रही है, तो बने रहिए मेरे साथ। और कीचड़ ज़्यादा होने के कारण इधर कपड़े भी गंदे हो रहे हैं थोड़े। जो है वो अपने इतना को भेज रहा और रात के थोड़ी बारिश होने के कारण यहाँ में धार बढ़िया चल रही है, अच्छा पानी भरा गया यहाँ में। देर हो चुकी है, अभी तक गाड़ी नहीं आई। चलो फोन लगा लेते हैं विकास भाई को। तो भैया गाड़ी आ चुकी है, जा रहा है विकास। जो आ गया विकास, गाड़ी आ चुकी है। हाय कर दो विकास भाई, हाय कर दो। तो चलो अपन फिर निकलते हैं भोजपुर के लिए, बने रहिए जब तक ब्लॉग में आ गए। आ चुके हैं बेरखड़ी चौरा, यहाँ पर ये नवल किराना स्टोर है, यहाँ से अपन प्रसाद ले लेते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में आएंगे और आइए इनसे कुछ पूछते हैं। हाँ तो बताइए आप, आपकी दुकान पर सब सामान मिलता है? सब मिलता है, कम रेट में मिलता है और सभी सामान रखा जाता है यहाँ पर। आप बेरखड़ी चौरा जब भी आए यहाँ से सामान जरूर ले। तो भैया ये राखी है और ये स्पेशल मिठाई है, यहाँ पर मतलब जब भी आना हो तो इस दुकान से आपको मिठाई लेना है। ये हमारे विकास भाई बैठे हैं, राजकुमार भाई। तो भैया गाड़ी में पेट्रोल डलवाने हैं, यहाँ पर यहाँ रखे थे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, और यहाँ पर अपने एक दोस्त मिल गए, तो हृदय भाई जयराम जी की जयराम जी, हाय कर दो। भैया अपन आ चुके हैं 11 मील बाईपास और कुछ ही देर में भोजपुर भी पहुँचने वाले हैं, हाय कर दो। ये लक्ष्मी जी है अपने साथ में, अभिषेक प्रजापति जी भी हैं। तो भैया हाय कर दो। चलो रुके तो थोड़ा सेल्फी वेल्फी भी ले लेते हैं भैया लोग, बने रहो ब्लॉग में आगे तक, इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। तो भैया अपन आ चुके हैं 11, यहाँ पर रुके थे हम चाय पीने। चलो चाय पी ले रहे हैं, फिर निकल रहे हैं भोजपुर के लिए, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में और हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प 19। तो भैया चाय पी ली और अब अपन निकल चुके हैं, कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, बस बने रहिए। भोजपुर पहुंचने ही वाले हैं अपन, और यहाँ पर तेज बारिश के कारण ये देखिए रोड पर पानी भर चुका है, आ चुकी है। हाँ छोटी हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है, ये देखो कितने गड्ढे गई हैं यहाँ पर, लगता है काफी बारिश हुई है यहाँ। हाँ लक्ष्मी जी भी पीछे आए हैं हमारे, अभी हाय मत करना प्लीज लक्ष्मी जी, क्यों यहाँ पर जो गड्ढे है पानी हो चक रहा। भाई 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 तो भैया अपन भोजपुर पहुंच चुके हैं, और जो भोजपुर की नदी काफी उफान पर है, ये जो देख पा रहे हैं आप भोजपुर का मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, और ये नदी देखिए आप काफी तेज उफान पर। चलो सेल्फी सुल्फी ले लेते हैं पहले यहाँ पर एक आध दो। ये जो देख पा रहे हैं आप भोजपुर का मंदिर, तो सब लोग एक साथ हो चुके हैं, अब चल रहा है अपन ऊपर मंदिर। ये हमारे मौसम चचा भी आ चुके हैं जो कि पीछे रह गए थे, और ये नदी काफी उफान पर है और वो भोजपुर का मंदिर दिखाई दे रहा है, चल रहा है अपन उसी ओर।
और बाकी की आपको वीडियो आगे चल के दिखाएंगे, जब तक बने रहिए ब्लॉग में। चलो ले लो प्रसाद, यहीं से ले लो। कितने रुपए की प्लेट है? कितने की है? 70 वाली। हैं अपन भोजपुर और बस मंदिर की ओर चल रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। पहुंच चुके हैं अपन मंदिर पर, चलो आओ और आगे देखिए अंदर चल कर। और यहाँ से एक आधा फोटो ले लो, बसिया अच्छे एक नंबर आएंगे। बंदरों ने खाना खिला के एक दो जने जा रहे पंगत में बैठे हुए रियल कैमरा खींच के यार, इधर से ले यार। आए हैं और जमामा श्री बैठे, फोटो नहीं खींचा जा रहा है जी। तो जय भैया, ऐतिहासिक काफी साल पुराना मंदिर श्री महाकाल। वीडियो बना भी नाश कर दिए, वीडियो बना मेरा लेना चाहिए। तो भैया परकम्बा और दे ले रहे अपन। और देखो चारों तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको, मंदिर घूमला है अपन ने, सब में घूमला। अब रहेगा है तो मान ला जो पार्क है इधर पे, इधर भी घूम सकते हो आप जब भी आओ इधर। ये देख रहा है पार्क है, यहाँ पर ये घूमने के लायक ही बनाया गया है। चलिए ठीक है, तो आपने जैसे कि मंदिर देख लिया, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा।